उसमें 0% उसमें वाला 0% इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसमें इंटरेस्ट हमारा, एक भी नहीं लगेगा। जो भी है बस खाली सिर्फ डाउन पेमेंट करना है और जो हाँ प्रोसेसिंग चार्जेस है वो रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आप हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू बजाज की पल्सर 150 का यहाँ पे फ्रेंड्स ट्विन डिस्क वाला मॉडल, जो कि इसका यहाँ पे टॉप मॉडल है और ये यहाँ पे OBD2 अपडेट्स के साथ फाइनली अवेलेबल हो चुका है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको इसका हम फाइनेंस ऑप्शंस बताने वाले हैं, क्या कुछ इसका EMI रहने वाला है, कितने डाउन पेमेंट में ये बाइक आपको मिल जाएगी, कितने कलर ऑप्शंस आपको इस बाइक में मिल जाते हैं और जो भी आपकी डाउट्स है इस बाइक से रिलेटेड वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक एम का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का, तो बस लाइक कर दे ताकि हमें भी लगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं दीपक भैया, जो कि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे शोरूम पर, जो भी शोरूम का डिटेल्स वगैरह है वो फ्रेंड्स आपको हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम दीपक भैया से बात कर लेते हैं बाइक के बारे में। तो जैसे दीपक भैया, काफी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि P150 के लॉन्च होने के बाद पल्सर 150 डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, मतलब बाइक का स्टॉक जो है वो हमें मिलेगा। हमें मिलेगा, तो ये न्यू मॉडल है जो कि OBD2 अपडेट के साथ आ चुका है। हाँ ठीक है, तो कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो क्या क्या कलर ऑप्शंस हमें यहाँ पे बाइक इसमें? कलर ऑप्शन तीन आता है, एक ब्लू, रेड और सिल्वर। अभी बॉडी अवेलेबल सिल्वर नहीं है, बॉडी जो है वो ब्लैक रहेगी, ग्राफिक्स चेंज होता जाएगा। ग्राफिक्स चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अभी मतलब सिल्वर छोड़ करके बाकी दो कलर ऑप्शन हाँ, स्टॉक में है। तो अभी अगर करेंटली हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो कितना ऑन रोड जा रहा है भाई? 1,43,000। 1,43,000 जो इसका टॉप मॉडल है, जो और इसमें दो मॉडल और आता है, एक स्टैंडर्ड एक नियॉन। हाँ ठीक है, तो उनका जो प्राइसेस है वो कम रहेगा इससे? कम रहेगा। तो टॉप मॉडल में यहाँ पे हमें डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है और हाँ। स्प्लिट में सीट मिल जाता है, स्प्लिट में ग्रैबरेल मिल जाता है। ठीक है, तो आप बाइक का लुक्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा आपको डिजाइन मिल जाता है 150 CC सेगमेंट में, और काफी ज्यादा बाइक डिमांड में रहती है ना 150 में, मतलब अगर देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा सेल होती है फिलहाल, P150 से ज्यादा अच्छा मार्केट इसका है। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं 150 CC सेगमेंट में और अगर आपका बजट जो है वो 1,40,000 से 1,50,000 रुपए के बीच में है तो आप इस मॉडल को चेकआउट कर सकते हैं। टॉप मॉडल में बाइक काफी अच्छी लगती है देखने में। तो अगर हम इस बाइक को फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, और डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या क्या लेकर आना होगा? डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ATM। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ATM, ATM इतना हमें लेकर आना होगा, इतना लेकर। तो जैसे अगर काफी लोगों के पास क्या है कि अभी मतलब बैंक अकाउंट नहीं रहता या ATM नहीं है, तो वो प्रोसेस फिर कैसे रहेगा? मतलब नहीं तो बैंक का यदि नहीं रहता तो बजाज में तो हो जाता है ऐसा। अच्छा, 1100 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन फिर अकाउंट ओपन करके और मतलब फिर साथ के साथ? नहीं, हाथों हाथ हो जाएगा। अच्छा, सेम डे हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 21। 21। हाँ ठीक है, 21 आपकी जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके डाउन पेमेंट के बारे में, तो कितना डाउन पेमेंट आ जाएगा इसका? डाउन पेमेंट 50,000। 50,000। अच्छा, तो ये नॉन इनकम प्रूफ वालों का है कि इनकम प्रूफ वालों का है? नॉन इनकम प्रूफ। नॉन इनकम प्रूफ, और अगर किसी के पास इनकम प्रूफ है तो और कम में भी आप लोग गाड़ी दे? हाँ, उसमें कम भी लगेगा, मतलब जैसे अगर कोई सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, ITR वगैरह उसके पास है तो और कम में हो जाएगा? हाँ, और कम में। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ना इनकम प्रूफ है ना मतलब सैलरीड पर्सन है, तो वो नॉर्मली इंसान के लिए ये परफेक्ट 50,000 रुपए डाउन पेमेंट में गाड़ी निकल जाएगी, मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम करेंटली बात करते हैं, अगर 50,000 हम डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक के लिए, तो EMI हमारा क्या क्या आ जाएगा मंथली, वो थोड़ा समझा दें। आपका EMI आ जाएगा 36 महीने का 3,186 रुपया, 36 मंथ का, 36। ठीक है, और 24 मंथ का आ जाएगा 4,425 रुपया। ठीक है, और 18 मंथ का आ जाएगा 5,665 रुपया। 5,665 रुपया 18 मंथ। 18 मंथ। और जैसे 12 महीने में क्या प्रॉब्लम आता है वो भी थोड़ा बता दे? 12 महीने में प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों को इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है, या फिर आपका बैंक ट्रांजेक्शन जो है थोड़ा थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हाँ। है या फिर अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप हाँ। 12 महीने के लिए भी फाइनेंस करा सकते करवा हैं। सकते हैं। और काफी लोग ये भी पूछते हैं कि 0% वाला जो रहता है ऑफर, वो साल भर चलते रहता है या कभी कभी आता है? वो तो हर गाड़ी पे नहीं आता है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी P150 पर आया हुआ है। अच्छा, उसमें 0% उसमें 0% इंटरेस्ट नहीं लगेगा? इंटरेस्ट एक भी नहीं लगेगा, जो भी है बस खाली सिर्फ डाउन पेमेंट करना है और जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो रहेगा। बाकी इसमें वो ऑप्शन अभी है या नहीं? नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन P150 में है। P150 और कोई कोई सी बाइक में और किसमें है? किसी में नहीं, देखिए बाइक में सभी में है, लेकिन इसमें आपको 70% 60% करना पड़ेगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट और 0% वाले में कितना करना पड़ता है? 0% वाला ही बता रहे हैं। अच्छा, मतलब 70% अगर डाउन पेमेंट करेंगे हाँ, तो 0% में ये भी हमें मिल जाएगी, ये भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे अगर मोटा ये मतलब 1.5 लाख की अगर बाइक है तो इसका जो है हम अगर लगभग मतलब 90,000 लगभग डाउन पेमेंट हाँ, कर देते हैं, 80-90,000, तो हमें 0% हाँ, में ये 0% मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल में फ्रेंड्स ये था एक यहाँ पे इसका फाइनेंस का ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं बेस्ट ऑप्शन की, तो क्या बेस्ट रहेगा यहाँ पे हमारे लिए, मतलब कौन सी EMI के साथ जाने से थोड़ा पैसा सेव हो जाए? जितना कम कीजिएगा, मतलब ज्यादा डाउन पेमेंट जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा हाँ। या फिर डाउन पेमेंट ज्यादा कर सकते हैं, या फिर डाउन पेमेंट ज्यादा कीजिए, दो ऑप्शंस रहता है, दो ऑप्शंस दोनों में से जो हमें बेस्ट लगे वो हम चूज कर सकते हाँ। हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो कंपनीज कौन कौन सी मिल जाएगी हमें?
क्या चीज कंपनीज फाइनेंस में कौन कौन सी है? फाइनेंस में आपको मिल जाएगी बजाज की मिल जाएगी, L&T मिल जाएगी, आपका HDFC मिल जाएगी, ICICI मिल जाएगी, HDB मिल जाएगी, मतलब काफी ज्यादा तो काफी ज्यादा ऑप्शन है। और मतलब जो है शोरूम पर आकर साथ के साथ ही फाइनल हो जाएगा, सेम डे आधा से एक घंटा में फाइनल हो जाएगा, सेम डे हम बाइक लेकर जा सकते हैं, सेम डे। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल न्यू बजाज की पल्सर P150 का पूरा फाइनेंस डिटेल्स, दीपक भैया ने हमारी काफी हेल्प की। अगर आप ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो बैनर बजाज में आप आकर विजिट कर सकते हैं, आपको बाइक्स भी मिल जाएगी, स्टॉक्स आप देख पा रहे होंगे अवेलेबल है, बाकी प्रोसेस वगैरह सब आपको बता दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है वो भी आपको हमने बता दिया है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।